हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप तुसी सारे ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं थोड़ा शेयर करांगी मॉइस्चराइजर क्रीम का रिव्यू। और वीडियो स्टार्ट करने तो पहले अगर तुसी मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब करो और नाल ही जो बैल आइकन का बटन है वह भी प्रेस कर दियो, क्योंकि इस दिन मेरे आने वाली होर वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जिस क्रीम का रिव्यू मैं थोड़े कर लगी हाँ वह है हिमालया दी हर्बल नरशिंग स्किन क्रीम। यह हिमालया दी क्रीम है एंड स्किन क्रीम है, मतलब इसनों आप अपने फेस नैक आर्म और हैंड पर भी अपलाई कर सकते हैं। हिमालया ब्रांड बारे तो आप सारे जानते हाँ कि हिमालया बहुत वधिया ब्रांड है तो इसके प्रोडक्ट बहुत वधिया होंगे। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, इस तरह के बॉक्स में रिसीव होगी। इसका बॉक्स भी काफ़ी प्यारा है, तो ग्रीन कलर से एंड वाइट कलर का बॉक्स है एंड काफ़ी हैवी बॉक्स है। एंड ये आप 150 ml क्वांटिटी में मिलेगी एंड 3 ईयर इसकी एक्सपायरी डेट है। ये स्किन क्रीम आल डे मॉइस्चराइजिंग स्किन क्रीम है। इसनों आप पूरा दिन अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हाँ। समर एंड विंटर दोनों मौसमों के आप अप्लाई कर सकते हाँ। विंटर के अगर अपनी स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है अपना फेस आर्म हैंड तो आप इस स्किन क्रीम अप्लाई कर सकते हाँ। आपको अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम लगेगी एंड इस दे नाल अपना फेस किसी भी तरह का ऑयली नहीं होगा। ये मैं थोड़ा अपने फेस से अप्लाई करके भी दिखावगी कि यह स्किन क्रीम अपने फेस में ऑयली नहीं बनाती। अगर अपनी स्किन ऑयली भी है तो भी आप इस स्किन क्रीम को हर्बल स्किन क्रीम को हिमालया दी अप्लाई कर सकते हैं। हिमालया दी हर्बल स्किन क्रीम आल टाइप स्किन के लिए सूटेबल है। अगर ऑयली स्किन है तो भी, अगर ड्राई स्किन है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्राई स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बना देगी और ऑयली स्किन पर भी किसी भी तरह के नाल एक्स्ट्रा ऑयल पैदा नहीं करेगी बल्कि अपनी स्किन सॉफ्ट और मुलायम ही बनाएगी। सो आप सारी स्किन टाइप वाले इस स्किन क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस उपर लिखा भी है इस एलोवेरा एंड विंटर चैरी है। सो एलोवेरा भी अपनी स्किन वास्ते बहुत वधिया है एंड विंटर चैरी चैरी के नाल भी अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। सो अपनी स्किन में इन्हों का बहुत फायदा मिलेगा। इसनों ओपन करते आप देखेंगे कि इस तरह का रैपर है तो उसके बाद क्रीम पूरी फुल बॉक्स है एंड ये अपनी काफ़ी देर तक चल जाएगी। क्रीम को मैं खुद काफ़ी देर तो अप्लाई कर रही हाँ। सो मैं ये क्रीम बहुत वधिया लगी एंड इस दे नाल अपनी स्किन पर जो भी कोई प्रॉब्लम होंगे हाँ पिंपल डार्क सर्कल वगैरह उसनों भी रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करती है क्योंकि हर्बल हिमालया दी हर्बल स्किन क्रीम है। सो इसका भी अपनी स्किन को फायदा मिलेगा। अगर अपने पिंपल निकल रहे हैं या अपने किसी तरह दाग धब्बे हैं अगर आप डेली इस क्रीम को अपने फेस से अप्लाई करा तो अपनी ये फेस दी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। सो ये बिल्कुल वाइट कलर की क्रीम इस तरह की आप इसका टैक्सचर देख सकते हाँ। पहले मैं अपनी हैंड तो अप्लाई करके दिखाने आ कि कितनी छेती अपनी स्किन के रच जाती है एंड अपनी स्किन एक तरह के ना ब्राइट बना देती है। आप देख सकते हाँ कि अपनी स्किन एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गई है इसमें लगाने तो बाद एंड ब्राइट भी दे रहा हैंड काफ़ी ब्राइट लग रहा है एंड इसकी स्मैल भी काफ़ी वधिया है। सो इस क्रीम को अप्लाई करने एक तो स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बन जाती है तो अपनी स्किन चिपचिपा नहीं बनाती है तो ना ही ऑयली बनाती है, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम आपको अपनी स्किन लगेगी। सो यह हर्बल क्रीम बहुत ही बढ़िया है तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इससे लिखा भी है कि अपनी स्किन सॉफ्ट और मुलायम बना देती है तो अपनी स्किन पोल्यूशन एंड ड्राई वैदर तो बचाती है भी अपनी स्किन पर जो भी पोल्यूशन होंगे है अगर आप इस क्रीम अप्लाई कर लवेंगे तो जो पोल्यूशन अपनी स्किन के उपर एड नहीं होगा तो एंड जो ड्राई वैदर है अगर अपनी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या मौसम भी इस तरह का है तो क्रीम अप्लाई करने के नाल अपनी स्किन पर किसी भी तरह की खुश्की या ड्राइनेस नहीं दिखेगी, अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम दिसेगी एंड शाइनी लगेगी। सो ये क्रीम बहुत ही बढ़िया है अपनी स्किन ब्राइट बनाने के लिए एंड हम मैं अपने फेस से तुम्हें इस क्रीम को अप्लाई करके दिखावगी। आप इस माउंट में ला लेना है, इस नाल ही आप अपने हैंड पर भी अप्लाई कर लवेंगे अपने नैक पर भी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं होंगी, अपनी फिंगर के नाल ही अप्लाई करांगे। क्रीम अप्लाई करने समय अपन अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम लगे। आप देख सकते हाँ कि क्रीम छेती अपनी स्किन के रच गई है, अपने पूरे बॉडी ते आर्म ते हैंड ते भी आप इस मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। सर्दियों के भी ये मॉइस्चराइजर क्रीम बहुत वधिया है क्योंकि सर्दियों के अपनी स्किन पर बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है। सो मॉर्निंग टाइम आप नहाने तो बाद अगर इस क्रीम अप्लाई करा तो सारा दिन आप अपनी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम लगेगी किसी भी तरह के ना ये अपनी स्किन ऑयली नहीं बना देख सकते मेरा फेस कोई भी अपनी स्किन पर ऑयल नज़र नहीं आ रहा। अगर अपनी स्किन ऑयली भी है तो भी आप इस क्रीम अपने फेस से अप्लाई कर सकते हैं।
इस दे विच जो भी एलोवेरा एंड विंटर चेरी है वो अपनी स्किन नूं सॉफ्ट ते मुलायम बना दिंदे हन। अपने फेस ते मैं क्रीम चंगी तरह अप्लाई कर ली है ते हुण आपां इस तरह ही कंपैक्ट लगा के अपना हल्का फुल्का मेकअप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी पार्टी वगैरह नहीं जाना तो आप इस डे क्रीम के नाल ही कंपैक्ट लगा के अपना हल्का फुल्का मेकअप कर लवेंगे। देख सकते हो क्रीम लगाने तो बाद मैं कंपैक्ट अप्लाई कर लिया से, तो उस तो बाद अपना हल्का फुल्का मेकअप कर लिया है। सो इस हिमालिया की हर्बल क्रीम के नाल ही मैं हल्का फुल्का मेकअप किया है, कोई फाउंडेशन वगैरह भी नहीं लगाया है। सो इस तरह आप इस क्रीम के नाल अपना डेली रूटीन का हल्का फुल्का मेकअप भी कर सकते हैं। सो अगर आप स्कूल कॉलेज या ऑफिस भी जा रहे हैं तो भी आप स्किन क्रीम के नाल ये हल्का फुल्का मेकअप कर सकते हैं इस तरह, तो अपनी नाली स्किन की केयर भी हो जाएगी इस दिन एंड अपने फेस से किसी भी तरह फाउंडेशन का हैवी बर्डन भी नहीं लगेगा मेकअप का। इस हिमालय हर्बल स्किन क्रीम को अपने स्किन पर अप्लाई करने के अपनी स्किन की बहुत अच्छी केयर होगी डे टाइम भी एंड नाइट टाइम भी। सो अगर आप अपनी ज़्यादा स्किन केयर लिए अपने को ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप अगर इस क्रीम को अप्लाई कर लवेंगे अपने पूरे बॉडी पर हैंड से आर्म से एंड फेस से तो भी अपनी फेस की बहुत अच्छी स्किन केयर हो जाएगी एंड सर्दियों के स्पेशली आप अगर रोजाना इस तरह इसको अप्लाई करा तो अपना हैंड आर्म एंड जो फेस आ वो किसी तरह का डल नहीं लगन तो बहुत ही ब्राइट लगनगे। सो ईजी वे है अपनी स्किन की केयर करन के लिए इस क्रीम के नाल। ये तो सी इस हिमालय हर्बल क्रीम का रिव्यू। सो ये मैंने तो यह क्रीम काफ़ी पसंद आई है, तो अगर तुम लेना चाहते हो तो लै सकते हो। आई होप ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल ही होगी। सो वीडियो लाइक करो, चैनल सबसक्राइब करो, मिलते नैक्सट वीडियो में। बाय बाय।